नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन सेशन में। और सीटी क्लासें चल रही थी और अगला अपना टॉपिक है उत्प्रेरक। विज्ञान की क्लासों में अपने जो सिलेबस का देखा जाए, टॉपिक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होता है? यदि विज्ञान की भाषा में अपन बात करें तो उत्प्रेरक का मतलब वो होता है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। यानी सीधी सी बात ये हुई कि खुद तो क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो कैसे रहते हैं, अपरिवर्तित, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या कर देते हैं कि वेग में परिवर्तन कर देते हैं। और ये परिवर्तन कैसा हो सकता है, या तो परिवर्तन यदि वेग को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, या वेग को घटाएंगे। समझिएगा, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये उत्प्रेरक कैसे हो सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं वेग को और कम भी कर सकते हैं। और जो ये जो घटना होती है, यानी वेग को बढ़ाने की और घटाने की ये जो घटना कहलाती है, वो कहलाती है उत्प्रेरण। वापस सुनिएगा, उत्प्रेरक का मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि कुछ ऐसे पदार्थ या रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन करते हुए स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और उत्प्रेरक क्या होते हैं, या तो वेग को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ये कहलाता है उत्प्रेरक। अब सामान्य से यदि अपनी भाषा में बात करें तो जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट आता है, घर में बैठता है और घर में बैठने के बाद जैसे पिताजी उसका रिजल्ट देखते हैं, थोड़ा सा पीटते हैं, पीटने के बाद जैसे कोई पड़ोसी आता है और बोलता है कि साहब मेरे बच्चे को तो बहुत अच्छे परसेंटेज बने, 98% बने। अब जो पड़ोसी आया है उसका इरादा क्या है कि तेरे बच्चे के कम बने, मेरे बच्चे के ज़्यादा बने, तो अब पिताजी क्या करेंगे, और पीटेंगे। लेकिन उस पड़ोसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ोसी को तो मजा आया, वो वापस चला गया। यानी वो पड़ोसी था वो कैसा था, उत्प्रेरक था। तो उत्प्रेरक कौन हुआ, जो स्वयं तो अपरिवर्तित रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में बढ़ाएगा या घटाएगा या वेग में परिवर्तन कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। और ये जो घटना है क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। तो एक लाइन में ये परिभाषा हो गई कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो वेग में परिवर्तन करते हैं एवं स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती। अब एक चीज होती है कि उत्प्रेरक के क्या गुण होते हैं, उत्प्रेरक के क्या गुण होते हैं। उससे पहले एक समीकरण देख लीजिए कि उत्प्रेरक कहां काम आते हैं। जैसे अपन देखते हैं वनस्पति, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल से घी बनाते हैं, डालडा घी आपने सुना होगा। तो वनस्पति तेल से जैसे घी बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अब जैसे ही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो आपको क्या चाहिएगा, एक उत्प्रेरक चाहिएगा जो इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो जैसे ही आपने वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई और इसमें आपने निकिल क्या लिया, उत्प्रेरक लिया, तो ये निकिल क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक कहलाएगा। और उससे क्या बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा। वनस्पति घी बन जाएगा, जबकि यहां जो निकल है वो क्या है, उत्प्रेरक है। इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, ये तो जैसा डाला गया वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन इसका काम क्या है, इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देना। तो यहां निकल क्या है, उत्प्रेरक है। निकल यहां क्या है, उत्प्रेरक है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, इस पूरी की पूरी घटना जिसमें अभिक्रिया के वेग में बढ़ोतरी हो रही है वो कहलाता है उत्प्रेरण। ठीक बात। तो ये तो हुआ उत्प्रेरक का एग्जाम्पल। अब अपन देखते हैं कि उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं, उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं, कैरेक्टर ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के गुण। देखिए पहली चीज होता है कि भाई इसमें स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरक स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं,
जबकि रासायनिक अभिक्रियाओं में वेग परिवर्तन कर देता है, वेग परिवर्तन करता है। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा गुण क्या होगा कि उत्प्रेरक कभी भी किसी अभिक्रिया को शुरू नहीं कर सकता। शुरू तो जो अभिकारक है। अब ये भी चीज समझिएगा कि ये चीजें क्या होती, वो देखो, ये जो मटेरियल है जिसमें आप अभिक्रिया को करवाने के लिए उपयोग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, यानी जिसकी अभिक्रिया करवानी है वो कहलाते हैं अभिकारक। बीच में होता है उत्प्रेरक और जो लास्ट में जो चीज बनती है उसको बोलते हैं क्या, उत्पाद या प्रोडक्ट। वापस सुनिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर तीन चीजें होती है। पहला होता है अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, दूसरा होता है उत्प्रेरक और तीसरा होता है उत्पाद या प्रोडक्ट, यानी जो चीज बनती है उसको बोलते हैं उत्पाद। ये तीन चीजें होती है। और उत्प्रेरक की खास बात क्या होती है कि उत्प्रेरक से कभी भी किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। तो उत्प्रेरक के गुण होता है कि किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, प्रारंभ नहीं कर सकता। अच्छा, और क्या गुण होता है कि उत्प्रेरक की कम मात्रा भी अधिक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है या अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है, अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। मतलब आप थोड़ी सी मात्रा में उत्प्रेरक लोगे लेकिन उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत अधिक मात्रा में होगा। और क्या गुण होते हैं उत्प्रेरक के कि उत्प्रेरक ताप सुगम्य होते हैं। ताप सुगम्य का मतलब सीधी सी बात है कि ये विशेष ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं, विशेष ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं। मतलब एक निश्चित टेम्परेचर होता है उसी पर ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं, उसी पर ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो उत्प्रेरक होते हैं किसी विशेष अभिक्रिया हेतु विशेष उत्प्रेरक का ही उपयोग लिया जाएगा। यूं नहीं कि कोई भी उत्प्रेरक उपयोग लोगे तो वही प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए विशेष उत्प्रेरक की ही आवश्यकता होती है। अभी बताऊंगा एग्जाम्पल देके आपको कि विशेष अभिक्रिया के लिए विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, अभिक्रिया हेतु विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। बस ये होते हैं उत्प्रेरक के गुण। पहला, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, कम मात्रा अधिक प्रभावशाल उत्पन्न कर सकता है, ताप सुगम्य विशेष ताप पर कार्य करते हैं और विशेष अभिक्रिया हेतु विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ये होते हैं उत्प्रेरक के गुण। अब देखिए, जैसे आप एक अभिक्रिया में देखो पोटेशियम क्लोरेट है और इस पोटेशियम क्लोरेट में आप देखिएगा, पोटेशियम क्लोरेट में जो ये मैग्नीज ऑक्साइड है ये क्या है, उत्प्रेरक है, जो इस पोटेशियम क्लोराइड को बनने की दर को बढ़ा देता है। तो ये जो मैंने यूज लिया है ये क्या है, उत्प्रेरक है। दूसरा, वनस्पति तेल है और उसमें हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में, तो निकल यहां क्या है, उत्प्रेरक है। क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। एक बार एग्जाम्पल में ये एग्जाम में यही पूछा हुआ है कि हाइड्रोजनी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है या हाइड्रोजनीकरण का उदाहरण कौन सा है या वनस्पति तेल से घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ध्यान रखना, यह प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो ये एग्जाम्पल किसका है, हाइड्रोजनीकरण का, यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई जा रही है। तो यहां पर निकल क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक के गुण मैंने आपको बताए, वही बातें सारी की सारी, अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी, उत्प्रेरक की अति सूक्ष्म मात्रा भी बड़ी मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरण के लिए एक विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। और चौथा, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, प्रारंभ करने में सक्षम नहीं होता। फिर उत्प्रेरक जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब होता है
जैसे ये कोई अभिकारक है और इससे बना उत्पाद। ऐसी अभिक्रिया जब उत्पाद से वापस अभिकारक बना सकते हैं, अभिकारक बना सकते हैं, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय रिवर्सिबल। यानी अभिकारक से उत्पाद बन सकता है, उत्पाद से अभिकारक बन सकता है, ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो भी आप उत्प्रेरक का उपयोग लोगे, जो भी आप कैटलिस्ट का उपयोग लोगे, वो उतना ही इसको प्रभावित करेगा जितना इसको करेगा, दोनों को बराबर प्रभावित करेगा। ये बात है उत्प्रेरणीय अभिक्रिया में वेग के मामले में ये अग्र और प्रति दोनों प्रकार की अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक ताप परिवर्तन का बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी विशेष ताप पर ये क्या करते हैं, अधिक काम करते हैं। तो ये तो बात हो गई उत्प्रेरक की। अब उत्प्रेरक के प्रकार कितने होते हैं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा आता है कि निम्न अभिक्रिया किस प्रकार के उत्प्रेरक का उदाहरण है, या ऐसे दे देंगे कि समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण कौन सा है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उत्प्रेरक के प्रकार। देखिए जो उत्प्रेरक होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है अवस्था के आधार पर, दूसरा हो सकता है क्रियाशीलता के आधार पर, और जो अवस्था के आधार पर होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है समांगी, यानी ऐसे उत्प्रेरक जिसमें सभी जो अवस्थाएं होती है, सभी जो अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक होते हैं वो तीनों एक ही अवस्था में होते हैं। जैसे सॉलिड है यानी ठोस है तो ठोस, द्रव है तो द्रव, और गैस है तो गैस, वो होते हैं समांगी। दूसरा होता विषमांगी, और क्रियाशीलता के आधार पर तो अपन बांट सकते हैं, जैसे धनात्मक यानी जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए, ऋणात्मक जो अभिक्रिया के वेग को कम करे, स्वतः जो उत्प्रेरक के रूप में जिस उत्पाद ही काम करे वो स्वतः उत्प्रेरक, और चौथा है जैव उत्प्रेरक यानी जो जीवों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें काम आने वाले जैव उत्प्रेरक। और कुछ और उत्प्रेरक बांटे अपन तो दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो उत्प्रेरक वर्धक यानी जो उत्प्रेरक के ही वेग में बढ़ोतरी कर दे वो उत्प्रेरक वर्धक, और दूसरा बांट सकते हैं उत्प्रेरक विष यानी जो उत्प्रेरक के ही वेग में कमी कर दे वो उत्प्रेरक विष। तो मोटे तौर से देखिए आप समांगी विषमांगी अवस्था के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक स्वतः और जैव उत्प्रेरक, और कुछ उत्प्रेरक जो उत्प्रेरक स्वयं की गति में कमी या बढ़ोतरी करते हैं उसके आधार पर उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। ये इतने प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, एक एक करके अपन अध्ययन करते हैं। पहला अपन पढ़ते हैं अवस्था के आधार पर। देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है समांगी। समांगी का मतलब होता है, देखिए समांगी का मतलब सम अंग, सभी अंग एक समान हो। माना कि आप जिस देखिए ये कोई अभिकारक है, अभिकारक का मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हो वो कहलाते हैं अभिकारक। अपन ने उपयोग लिया उत्प्रेरक और क्या बना, उत्पाद बना। अब समांगी कैसे होगा, समांगी का मतलब जो आपने अभिकारक उपयोग में लिया है, जो आपने उत्प्रेरक उपयोग में लिया है और जो आपने उत्पाद उपयोग में लिया, यदि तीनों एक ही अवस्था में हो, माना कि मैंने अभिकारक ठोस में लिया, उत्प्रेरक भी मैंने ठोस लिया और उत्पाद भी मैंने ठोस लिया, तीनों एक ही अवस्था में है, इसका मतलब वो कैसा उत्प्रेरक है, समांगी उत्प्रेरक है। यानी ऐसे उत्प्रेरक जिसमें पदार्थ में अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में तीनों अभिकारक उत्प्रेरक एवं उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में होते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। वापस सुनिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्प्रेरक एवं उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में होते हैं समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। और दूसरा होता विषमांगी उत्प्रेरक। एग्जाम्पल दूंगा अभी मैं आपको, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्प्रेरक एवं उत्पाद तीनों एक अवस्था में नहीं होते हैं विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो फर्क कुछ नहीं है, फर्क इतना सा है कि अवस्था बराबर है तो समांगी और अवस्था एक बराबर नहीं है इसका मतलब विषमांगी। एग्जाम्पल देखिए अलग अलग से इनके, देखिए समांगी उत्प्रेरक यानी सीधी सी बात है तीनों अवस्थाएं समान होगी, चाहे अभिकारक की हो
चाहे उत्प्रेरक की हो चाहे उत्पाद की हो, इन तीनों की अवस्थाएं क्या होगी? समान होगी। ये लिक्विड वे हैं, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है लिक्विड, मतलब द्रव अवस्था में। देखिए आप, मैथिल एसिटेट की जब जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो मैथिल एसिटेट कैसा है? लिक्विड में है, यानी द्रव अवस्था में है। जल भी कैसा है? द्रव अवस्था में है। जब HCl इसमें उत्प्रेरक उपयोग में लिया और HCl भी कैसा है? एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है द्रवित अवस्था में है, तो उत्पाद बना एसिटिक अम्ल और साथ में मैथिल एल्कोहल। और ये जो सारे के सारे कैसे हैं? द्रवकृत अवस्था में है, द्रवित अवस्था में है। इसका मतलब सारी की सारी अवस्थाएं इसमें क्या है? समान है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए? समांगी के। एक और एग्जाम्पल देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड है, गैस में है। जब उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए तो ऑक्सीजन भी गैस है, और अपन ने उत्प्रेरक उपयोग में लिया है नाइट्रस ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, तो यह भी कैसी अवस्था में है? गैस अवस्था में है। तो उत्पाद बना सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो भी गैस अवस्था में है। इसका मतलब ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, सारे के सारे इसमें भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो सारे कैसे हैं? एक ही अवस्था में है। इसका मतलब किस प्रकार का उत्प्रेरक हो गया? समांगी उत्प्रेरक हो गया। फिर है विषमांगी उत्प्रेरक, यानी जिसमें अवस्थाओं में, ध्यान रखिएगा, अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे आप देखिए, नाइट्रोजन गैस है, N2+3H2 gives 2N3, हैबर प्रक्रम है, अमोनिया बनाने का हैबर प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको उत्प्रेरक का चैप्टर पढ़ना हो या आपसे कभी पूछ ले कि अमोनिया बनाने का कौन से प्रोसेस उपयोग में होता है, तो हैबर प्रोसेस होता है। और हैबर प्रोसेस की यानी हैबर विधि की समीकरण होती है N2+3H2 gives 2N3। तो N2 गैस है, H2 गैस है, जो आपने उपयोग में लिया है उत्प्रेरक वो कैसा है? सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस, यानी जो लोहा आपने उपयोग में लिया है उत्प्रेरक के रूप में वो ठोस के रूप में लिया है। इसका मतलब ये गैस, ये गैस, ये ठोस है, इन्हीं तीनों अवस्थाएं सेम में नहीं है, यानी जो अभिकारक हुआ, उत्प्रेरक हुआ और उत्पाद हुआ, इन तीनों में अवस्थाएं सेम नहीं है, या गैस है या ठोस है या गैस है। इसका मतलब जो आपने उपयोग में लिया है, उत्पाद बना है, इन तीनों की अवस्थाएं एक जैसी नहीं है। इसका मतलब किस प्रकार का उत्प्रेरक है? विषमांगी उत्प्रेरक है। फिर वनस्पति तेल लिक्विड फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैस में होती है, और निकल जो आप उपयोग में ले रहे हो वो सॉलिड यानी ठोस के रूप में ले रहे हो, और घी बन रहा है वो ठोस के रूप में बन रहा है। इसका मतलब जो तेल है वो द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है या ठोस अवस्था में, यानी सारी की सारी की अवस्थाएं लगभग अलग अलग है, अवस्था सेम नहीं है। इसका मतलब किस प्रकार का उत्प्रेरक हो गया? विषमांगी उत्प्रेरक। अपने को तो इतना सा ध्यान रखना है कि भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के, पहला कौन सा? समांगी, समांगी का मतलब सम अंग, मतलब सभी अवस्थाएं समान हो। दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक एवं उत्पाद तीनों एक अवस्था में नहीं होते हैं, वो विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक बात, तो ये मोटे तौर से ये ध्यान रखिएगा। अब तो सरल ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है क्रियाशीलता के आधार पर। पहला है धनात्मक उत्प्रेरक, नाम से पता चल रहा है, ऐसे उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब होता है ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वो धनात्मक, धनात्मक का मतलब बढ़ाना। तो ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, के वेग को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। अब देखिए ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, और पोटेशियम क्लोरेट की जब अभिक्रिया करवाई जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड से, और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से आप क्रिया करा रहे हो, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड से, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड से जब आप क्रिया करवाते हो और गर्म करते हो एक विशेष ताप पर, तो देखिएगा जो पोटेशियम क्लोरेट है इस मैग्नीज ऑक्साइड से, जब मैग्नीज ऑक्साइड इसमें डालोगे तो इसके टूटने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये कैसा हो गया? धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं और इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड उपयोग में लेते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड उपयोग में लेने से क्या होगा, जो सल्फर
जो SO3 बनता है उसमें अभिक्रिया की वेग को क्या होता है, ये बढ़ा देता है। यानी जहां रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या करते हैं, ये वेग को घटा देते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन परोक्साइड, आपने देखा होगा इसका उपयोग होता है पेंटिंग वगैरह को सुरक्षित रखने में। हाइड्रोजन परोक्साइड का काम होता है, जैसे ही ये थोड़ा सा तापमान मिलेगा हवा में जाएगा तो क्या होगा, ये विखंडित होना शुरू हो जाता है जल के अंदर। अब उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन परोक्साइड में ग्लिसरॉल मिला देते हैं। अब ये जो ग्लिसरॉल होता है इसके विखंडन की अभिक्रिया को धीमे कर देता है। यानी इसकी अभिक्रिया का काम होता है कि जो हाइड्रोजन परोक्साइड टूट रहा था उसके जो टूटने की प्रक्रिया को धीमे कर देता है, यानी वेग को क्या करता है, घटा देता है। ऐसे उत्प्रेरक कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन परोक्साइड, ग्लिसरॉल, ये क्या हो गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया, जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। जो जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है इसकी अभिक्रिया को, जो बनाने का उत्पाद है, उत्पाद बनाने का क्रम है, उसको धीमे कर देता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक का मतलब होता है जो उत्पाद बना है, ये जो उत्पाद बना है, प्रोडक्ट बना है, उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करे, उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करे। यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है वही उत्प्रेरक का काम करे, वही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए। जैसे एथिल एस्ट्रेट है, एथिल एस्ट्रेट के अंदर क्या, ये एथिल है, ये एस्ट्रेट है। एथिल एस्ट्रेट जब भी जल से क्रिया करेगा तो क्या बनता है, एस्ट्रिक अम्ल बनता है। और इस एस्ट्रिक अम्ल का कार्य क्या होता है, इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देना। यानी ये जो उत्पाद बना है यही उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है, वो कहलाते हैं स्वतः उत्प्रेरक। यानी उसमें उत्प्रेरक डालने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, केवल जो उत्पाद बना है वही उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है। ठीक बात, तो ये ध्यान रखना, ये कहलाता है स्वतः उत्प्रेरक। एथिल एस्ट्रेट को जब जल से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, एस्ट्रिक अम्ल बनता है, और ये एस्ट्रिक अम्ल स्वयं ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करना शुरू कर देता है। जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक का मतलब होता है जीवों में जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले उत्प्रेरक, भाग लेने वाले उत्प्रेरक कहलाते हैं जैव उत्प्रेरक। ये जीवों में जो भी अभिक्रियाएं हो रही है उसमें जो उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं कहलाते हैं जैव उत्प्रेरक। अब देखिए यूरिया है, यूरिया जब अमोनिया में बदलता है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, तो उसमें जो यूरिएज एंजाइम होता है ये क्या होता है, जैव उत्प्रेरक होता है। यानी किसी भी बॉडी के अंदर, यानी जीवों के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें जो भाग लेने वाले होते हैं वो कहलाते हैं जैव उत्प्रेरक। यानी सीधी सी बात है, जब यूरिया, मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो यूरिया जब जल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये क्या होता है, इसमें एंजाइम कौन काम करता है, यूरिएज। ये यूरिया का सूत्र ध्यान रखना, NH2CO NH2, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। माल्टोज, माल्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज के दो अणु बनाता है। तो माल्टोज, माल्टेज एंजाइम या जैव उत्प्रेरक की सहायता से ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटता है। तो ये क्या हो गया, जैव उत्प्रेरक हो गया। अब एक दो टर्म्स आती है, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक का मतलब क्या होता है समझिएगा, देखो उत्प्रेरक वर्धक समझिएगा ध्यान से, ये क्या चीज होती है। मानना कि कोई ये उत्प्रेरक है, ठीक बात, अब इस उत्प्रेरक में कोई और उत्प्रेरक में डालता हूं, कोई अन्य उत्प्रेरक डालता हूं, जो अन्य उत्प्रेरक मैंने इसमें डाला है ये उस उत्प्रेरक की वेग में या क्रियाशीलता में वृद्धि कर देता है, क्रियाशीलता में वृद्धि कर दे,
तो क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक वर्धक। यानी किसी उत्प्रेरक में किसी अन्य उत्प्रेरक के डालने पर यदि क्रियाशीलता में वृद्धि होती हो तो उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है, और यदि किसी अन्य उत्प्रेरक के डालने से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी होती है क्या कहलाता है? उत्प्रेरक विष कहलाता है। बस ये दो टर्म्स कई बार एग्जाम में आता है। यदि कोई उत्प्रेरक है उसमें कोई अन्य उत्प्रेरक उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि कर रहा है तो किस प्रकार का उत्प्रेरक होगा? तो उत्प्रेरक वर्धक, और यदि कमी कर रहा है तो उत्प्रेरक विष। तो दो टर्म्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहला है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। देखिए उत्प्रेरक वर्धक यानी सीधी सी बात है किसी अन्य उत्प्रेरक के माध्यम से अन्य उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। जैसे आप देखो वनस्पति घी से तेल बनता, सॉरी वनस्पति तेल से घी बनता है। वनस्पति तेल से क्या बनता है? घी बनता है। जब वनस्पति तेल से हाइड्रोजन की क्रिया करवाते हैं निकल की उपस्थिति में तो वनस्पति घी बनता तो है, लेकिन जब इस निकल के साथ में आप कॉपर भी मिला दोगे, तांबा मिला दोगे, तो ये जो निकल था उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि हो गई, और जो तेल से घी बन रहा था वो पहले धीमे था, अब और अधिक तेजी से बनना शुरू हो गया। यानी इस कॉपर के कारण इस निकल की क्रियाशीलता में वृद्धि हो गई, उत्प्रेरक वर्धक हो गया। यहां देखिए अमोनिया बनाने का प्रक्रम होता है N2+3H2 gives 2NH3, यहां अपन उत्प्रेरक उपयोग में लेते हैं Fe। यदि इस MO यानी मोलिब्डेनम की कारण इस Fe की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाए इसका मतलब कैसा हो गया? उत्प्रेरक वर्धक हो गया। यहां देखो यहां मोलिब्डेनम चूर्ण उत्प्रेरक Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाकर अभिक्रिया की गति को और अधिक बढ़ा देता है। यहां देखो जो MO मिलाया, मोलिब्डेनम मिलाया, इस Fe की क्रियाशीलता को और अधिक बढ़ा देता है, इसलिए उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। ठीक बात। और यहां पर कॉपर इस निकल की गति को और अधिक बढ़ा देता है, इसलिए उत्प्रेरक वर्धक हो गया। उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है, कम कर देता है। जैसे देखो यहां N2+3H2 है और Fe की उपस्थिति में अमोनिया बना रहा है, NH3 बना रहा है। यदि मैं इस Fe के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड ले लूं, वहां तो मैंने क्या लिया था? मोलिब्डेनम लिया था। यदि मैं यहां ले लूं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस Fe की क्रियाशीलता को कम कर देगा, और जो पहले अमोनिया बन रहा था उसके प्रोसेस को और अधिक धीमे कर देगा। जब ये प्रोसेस धीमा होगा इसका मतलब इस Fe की क्रियाशीलता में कमी कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरक विष कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला दी जाए तो आयरन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है, ये होता है उत्प्रेरक विष। वापस देखो एक बार, उत्प्रेरक वाले चैप्टर में कुछ है ही नहीं, आपको ध्यान क्या रखना है? मोटे मोटे तौर से मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है? उत्प्रेरक किसे कहते हैं? कैटलिस्ट किसे कहते हैं? दूसरा, उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं? तीसरा, इसके प्रकार क्या होते हैं? प्रकार मैंने आपको बताए अवस्था के आधार पर, दूसरा क्रियाशीलता के आधार पर, और तीसरा जो टर्म्स है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाने के आधार पर, उत्प्रेरक के आधार पर। यदि आप अवस्था के आधार पर देखो दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। क्रियाशीलता के आधार पर चार प्रकार के बांटे थे अपन ने, धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा अपन ने बांटा था ऋणात्मक, तीसरा अपन ने बांटा था स्वतः, और चौथा बांटा था जैव उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक के आधार पर मैंने आपको दो भागों में बांटा था, कौन सा?
एक तो उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा उत्प्रेरक विष, बस इतना सा पढ़ना है, उत्प्रेरक आपका पूरा हो जाता है। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यही है पूरा ढांचा उत्प्रेरक का, कोई प्रश्न इससे बाहर जाने वाला है नहीं। और ये जो चीजें यदि आपको पता है कि समांगी किसे कहते हैं, विश्वांगी किसे कहते हैं, समांगी का मतलब सम अंग यानी सभी अवस्थाएं समान हो, चाहे अभिकारक की हो, चाहे उत्प्रेरक की हो, चाहे उत्पाद की हो, विश्वांगी का मतलब कोई अवस्था सेम नहीं हो, धनात्मक का मतलब वेग बढ़ा दे, ऋणात्मक मतलब वेग घटा दे, स्वतः का मतलब उत्पाद ही जब उत्प्रेरक का कार्य करे, जैव का मतलब जीवों में होने वाली अभिक्रियाओं में, उत्प्रेरक वर्धक का मतलब ऐसे उत्प्रेरक जो किसी अन्य उत्प्रेरक की वृद्धि क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं, और उत्प्रेरक विष का मतलब होता है किसी अन्य उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी करते हैं, वो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो ये चैप्टर था उत्प्रेरक का, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको वापस देखिएगा, लिखिएगा, समझिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।